मनावर नगर पालिका परिषद राजनीति के पेच में फंसकर रह गया है। नगर पालिका अध्यक्षा और सीएमओ के तालमेल ना बैठा पाने के कारण विकास कार्य एक वर्ष से नगर में बंद पड़े हैं, जिन्हें चालू करने को लेकर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बैठक ली। मनावर नगर पालिका परिषद में पिछले कई महीनों से नगर पालिका अध्यक्ष कुछ पार्षदों और प्रभारी सीएमओ के खराब रिश्ते किसी से छिपे नहीं, जिसको लेकर पिछले कई दिनों नगर विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं। आपस में सामंजस्य व तालमेल नहीं बिठाने के कारण आज मनावर नगर पालिका में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने परिषद के पार्षद व नगर पालिका कर्मचारियों की बैठक ली और नगर में बंद पड़े कार्यों को पूर्ण रूप से करने के आदेश दिए। वहीं नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने के भी आदेश दिए गए। आज भी नप्पा अध्यक्ष महोदया बैठक में नदारद रही तो पार्षदों ने अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर पालिका में न आने पर उपाध्यक्ष महोदया को नपा का पावर देने की बात कही तो विधायक महोदय ने जनता की अपील की है कि आपके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर आपकी ही नहीं सुनता तो उसकी शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से की जाएगी। विगत एक माह से नगर पालिका में जो चीजें हो रही है, जो उथल पुथल जो मची हुई थी, आज उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय विधायक महोदय के समक्ष नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी शाखा प्रभारियों द्वारा जो है सेवा भर्ती नियमों के तहत संकल्प लिया गया, उन्हें दिलाया गया और यह विश्वास दिलाया गया कि एक माह के अंदर जो है कि संपूर्ण जो नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसमें पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छता, साफ सफाई, सड़क नाली की सफाई, नालों की सफाई इत्यादि के संबंध में जो है माननीय विधायक मोदी जी को आश्वस्त किया गया है। सर, आज की जो मीटिंग है सर, इसमें आज नगर पालिका के मुख्य अध्यक्ष नहीं उपस्थित रहे, क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदया, जैसा कि अनुभागीय अधिकारी राजेश महोदय ने आदेश निर्देश दिए थे कि माननीय विधायक महोदय की अध्यक्षता में आज बैठक रखी जाए दोपहर 2 बजे। इस संबंध में लिखित सूचना जो है समस्त पार्षदगणों की, कर्मचारियों की और अध्यक्ष महोदय के को जो है लिखित सूचना भेजी गई, जिसमें अध्यक्ष महोदय के जो मतलब पति हैं श्री शिवराम जी पाटीदार, उन्हें उनके मोबाइल पे व्हाट्सअप किया गया। कर्मचारी द्वारा मुझे यह बताया गया कि अध्यक्ष महोदय बाहर है, अन्यत्र नहीं है और मेरे मोबाइल से भी जो है श्री शिवराम जी पाटीदार अध्यक्ष प्रतिनिधि है, उन्हें अवगत कराने को मेरे द्वारा मोबाइल लगाया गया पर वो किसी कारणवश जो है तो सर मीटिंग जी इन मुद्दों को लेकर की गई। मनावर नगर के विकास में जो बाधाएं नगर पालिका की, क्या आपसी एक तरह से समन्वय नहीं हो पाने के कारण जो आ रही थी, तो हमने कोशिश करी कि इस मीटिंग में नगर पालिका परिषद जो है उसके सारे सदस्य मिलकर आपस में सामंजस्य बिठाकर नगर के जनता के हित में काम करेंगे और अभी तक जो काम रुके पड़े हैं नगर के विकास में, जो अभी तक जो योजनाएं सरकार की जो आ रही हो या निर्माण कार्य अभी तक जो जिनका भूमि पूजन हो गया और नहीं शुरू हो पा रहे हैं, उसके लिए आज सबने मिलकर हमने निर्णय किया कि उनको जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे और मनावर नगर के जो विकास में सबसे बड़े जो बाधक कार्य है, जो यहाँ का अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण है, तो उस अवैध अतिक्रमण के ऊपर भी सख्ती से निपटने के लिए यहाँ का शासन प्रशासन पूरी तरह तैयार है और अगर यहाँ पे अगर यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधि अगर सहयोग नहीं करते हैं तो उसका भी हम पूरा डाटा तैयार करके मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के सामने समक्ष जल्द से जल्द सारी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं और वो अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मनावर नगर के विकास के लिए आगे के दिशा निर्देश जारी करेंगे। राज्य से मुख्य मीटिंग रखी गई है नगर पालिका के मनावर के विकास को लेकर, मनावर के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं आज वो अनुपस्थित हैं जी। अब नगर पालिका अध्यक्ष नहीं आए हैं, उनकी अपनी कोई मजबूरी हो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने उनको उन तक मैसेज पहुंचाया था, उनको लिखित में भी उनको संदेश दिया गया है और वो नहीं आए हैं, उसके बारे में अब उनसे जवाब आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।